हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पर। आज मैं डंपर को लाइव चलाने वाला हूं और चलाते हुए वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि गियर सिस्टम कैसे वर्क करता है। दोस्तों, इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाया है। एक वीडियो जिसमें मैंने इंटीरियर पार्ट्स के बारे में बताया, कितने सारे बटन्स है, कौन कौन कामों में आता है। सेकेंड वीडियो मैंने डिस्प्ले असेंबल के बारे में बनाया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के एंड में आपका उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में बेल घंटी होगी उसका नोटिफिकेशन भी ऑन करें, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं केबिन के अंदर। मैंने अपना सीट बेल्ट वगैरह लगा लिया है, ये सेफ्टी फीचर के लिए, आप भी जरूर यूज़ करें। सबसे पहले हम चाबी को एक बार प्रेस करेंगे, उसके बाद दोबारा फिर मूव करेंगे। एक गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, उसके बाद हम एसी को ऑन करेंगे। कैमरा ऑफ है, मैं इसे भी ऑन कर लेता हूँ। ओके, आपको एक सिंबल दिखाई पड़ रहा होगा ये डाले का, वो भी पूरी तरह से बैठा नहीं है। क्या करेंगे, इसे एक बार यूं ऊपर करेंगे। ओके, फिर नीचे प्रेस करके रखेंगे, बैठ जाएगा। अब हम चलते हैं। ये मैंने डी मोड पर लगाया, उसके बाद मैंने ये जो पार्किंग ब्रेक ऑन है इसे मैं ऑफ करूंगा और आप देख पा रहे हैं गाड़ी बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोडिंग पॉइंट पर चलेंगे, वहाँ पर लोड लेंगे, फिर अनलोड भी करेंगे। वो सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। गाड़ी अभी डी मोड पर है, मैंने आपको बताया था खाली गाड़ी डी मोड पर चलाना है। जहाँ भी गियर का जरूरत पड़ेगा ये ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा। अभी मैं वीडियो को स्किप करता हूँ, फिर लोडिंग पॉइंट पर ऑन करूँगा, फिर मैं आप लोगों को बाकी का प्रोसेस बताऊँगा। देख पा रहे हैं सिरम पर 96.7 टन लोड हो चुका है, ये 100 प्लस हो चुका है। तब हम चलेंगे, ये देखिए मैंने 6 मोड पर डाला और यहाँ से इसे ऑफ करके चलेंगे। बस यही प्रोसेस है, आपको और कुछ नहीं करना है। आप 6 मोड पर गियर डाल करके आप छोड़ दें। ओके दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। जब भी आप लाइक करेंगे मुझे बताएंगे, मुझे अच्छा लगेगा, मैं और भी वीडियो इसी तरह से बनाता रहूँगा और आप लोगों को दिखाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय।